हेलो दोस्तों, मैं गुरदर्शन सिंह फ्रॉम हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट अकेडमी खन्ना पंजाब। तो यहाँ पे मैकेनिकल की स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें वो लोग आज जो काम कर रहे हैं हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा जो काम हो रहा है उसमें हमारा हो रहा है इंजन ओवरहाल। तो ये एक महिंद्रा DI इंजन है, तो जिसको हम लोग पूरा स्टार्ट इंजन को खोलेंगे। उसके बाद फिर ये लोग स्टूडेंट्स सारा खोलने के बाद इनको साथ साथ में समझाया जाएगा कि ये पार्ट क्या है और ये क्या काम करता है, और उसके बाद ये लोग बाद में फिट करेंगे। और जैसे जैसे वो फिट करेंगे फिर उनको फिट करने का तरीका सही बताया जाएगा, ताकि वो लोग सही टॉर्क पे सही बोल्ट टाइट करना सीख जाएं, क्रैंक, इंजन हेड और पिस्टन। तो जैसे जैसे हम लोग फिट करेंगे हम लोग साथ में आपको भी दिखाते हैं। ये हमारे रॉकर आर्म है, इनको दो बोल्ट खोलने के बाद हमने ऊपर उठा लिया है। ये रॉकर का क्या काम है, ये पुश रॉड से पावर लेके पुश करते हैं वाल्व को। तो ये वाल्व ओपन क्लोज इसकी वजह से होता है रॉकर की। ये पुश रॉड्स हैं हमारी जो केम से पावर लेके पुश करती हैं रॉकर्स को। अभी हमारा हेड बोल्ट खोलने के बाद उठ रहा है, इसमें कोई भी और कनेक्शन नहीं है। अभी हम लोग हेड उठा सकते हैं। ना केयरफुली, हाँ, पैर बचा के। हेड को उठाने के बाद हमने फ्लाई व्हील खोल लिया है। उसके बाद हमने सेल्फ स्टार्टर मोटर भी खोल ली है। इसके बाद हम लोग उसको टेबल पे रख के टाइमिंग खोलेंगे, ऑयल चैम्बर, क्रैंक, वो सारा काम टेबल पे होगा। टाइमिंग खोलने से पहले हमको क्रैंक की पुली निकालनी है, ताकि टाइमिंग कवर खोला जा सके। तो अभी हम लोग इंजन लिफ्ट की मदद से जो इंजन है वो उठाएंगे और उसको अपने वर्किंग टेबल पे रखेंगे। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जब हमको इंजन उठाना है बहुत केयरफुली उठाना है, अपने आप को इंजन से दूर रखना है। प्रॉपर उसकी लिफ्टिंग के लिए चाहे तो चैन या बेल्ट तरीके से डाल लेना है। अभी हमारा जो महिंद्रा का इंजन है वो हेड खुलने के बाद तो कुछ सामान हैवी जैसे फ्लाई व्हील, सेल्फ स्टार्टर मोटर, पुली, ये खुलने के बाद टेबल पे आ चुका है हमारे वर्किंग टेबल पे। अभी हम उसको जो बाकी सामान है उसको खोलेंगे और यहीं पे हम इंजन असेंबल करेंगे। जो टाइमिंग कवर है उसको खोलने के बाद हमने फ्यूल पंप निकाल लिया है, जिसका गियर इधर से निकाला और पंप को इधर से निकाल लिया है। अभी हम बाकी जो टाइमिंग गियर के गियर हैं वो आपको निकालने के बाद दिखाते हैं। जो फ्यूल पंप है उसका गियर खोलने के बाद हमने आइडल गियर निकाल लिया है। अभी केम खोलने से पहले हम लोग पंप खोलेंगे, क्योंकि पंप जो है वो केम के साथ ड्राइव लेके चलता है, तो पंप का काम केम के साथ जुड़ा होता है। तो पहले हम लोग पंप निकालेंगे बाहर, फिर हमारी केम इधर से बाहर आ जाएगी। जैसा कि आपने देखा हमने केम शाफ्ट निकाल दी है। इसके बाद हम लोग जो कनेक्टिंग रॉड हैं उसके बिग एंड बेयरिंग हैं वो खोलेंगे। ये चीज़ 2, 3, 4 तो ये खोलेंगे, 4 पिस्टन के लिंक जो हैं जो क्रैंक के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने जो बिग एंड बेयरिंग है पिस्टन के कनेक्टिंग रॉड के वो खोल लिए हैं। अभी जो उसके पीस एंड बेयरिंग के वो निकाल देंगे और उसको एक एक करके नीचे रख लेंगे। तो इसमें ये ध्यान रखना चाहिए निकालते हुए कि अगर तो उस पर सिलेंडर नंबर लगा है तब तो सही है कि आपका उसी जगह पे लग जाएगा बेयरिंग, अदरवाइज़ आप ये मार्किंग कर लेना ताकि जब इंजन खुले तो जिस जगह से ये पीस निकाला उसी को कनेक्टिंग रॉड के साथ जोड़ना है। तो याद रखिए कि क्रैंक निकालने से पहले हमको साइड वाला ऑयल सील वाला पीस खोलना पड़ेगा। तो ये अभी हम क्रैंक शाफ्ट के जो मेन बेयरिंग हैं वो निकाल रहे हैं। जैसा कि ये 1 नंबर 2 3 4 5 इसमें 5 मेन बेयरिंग होते हैं, क्योंकि ये 4 सिलेंडर गाड़ी है। तो जितने भी सिलेंडर गाड़ी हो उसमें मेन बेयरिंग एक ज़्यादा रहता है। जैसे 30 सिलेंडर गाड़ी का 4 पीस होगा और अब ये 4 सिलेंडर गाड़ी है तो 5 पीस है। अभी हम प्यार से क्रैंक शाफ्ट उठा लेंगे। तो जब हम लोग इंजन का ब्लॉक उल्टा करते हैं तो इसमें से जो हमारे पुश रोड टैपेट्स हैं वो निकल आएंगे। उसको नीचे से निकाला जाता है केम की तरफ से। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं हमने जो इंजन है वो पूरा खोल दिया है। इसके सारे पार्ट खुल चुके हैं, क्रैंक पिस्टन तक सारा निकल चुका है। अब हम जो ये फुली डिसमेंटल इंजन है खुला हुआ, तो इसको हम लोग फुली असेंबल करेंगे, यानी कि कसेंगे इंजन को, ओवरहाल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको वॉशिंग करके अच्छी तरह जो पार्ट रिप्लेस करने रिप्लेस करके आपके सामने आएंगे और फिर हम लोग इसी इंजन को असेंबल करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।